फर्जी नियुक्ति का यह पूरा मामला लखनादून तहसील के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज का है। विद्यालय गणेशगंज में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर करके करा ली गई एवं विगत एक साल से ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भी ले रहे थे, जिसकी जानकारी लगते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अब उच्च अधिकारियों से शिकायत कर जल्द जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य गिरिराज सिंह परिहार ने बताया कि क्षेत्र की जनता की मांग के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज में सूचना के अधिकार के तहत अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी जानकारी स्कूल प्रबंधन से मांगी, जिस पर उन्हें प्राचार्य पीके गजभिये द्वारा संस्था में कोई भी नियुक्ति न होने की लिखित जानकारी दी गई, जिसके बाद आवेदक गिरिराज सिंह परिहार द्वारा एक नियुक्ति पत्र दिखाया गया, जिसमें श्रीमती वंदना पति ब्रजेश तिवारी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। सर, सूचना के अधिकार के तहत आवेदक के द्वारा जानकारी चाही गई थी, जिसमें स्पष्ट हो पाया है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है। उसके बाद भी विगत एक साल से यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रह के उसको ट्रेजरी से पेमेंट भी हुई है। क्या है पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा प्रेषित की गई है? मैंने यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का पद जब खाली था तो कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए सहायक आयुक्त जनजाति विभाग सिवनी को पत्र लिखा था, लेकिन सहायक आयुक्त जनजाति विभाग सिवनी द्वारा कोई नियुक्ति के लिए आदेशित नहीं किया गया। माने कंप्यूटर ऑपरेटर की इस विद्यालय में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ पर एक नियुक्ति पत्र भी सामने आया है जिस पर साइन आपके द्वारा जारी किया गया, क्या है, क्या कुछ है? नहीं, उसमें मेरी कोई साइन नहीं है, मेरी फर्जी साइन है। तो आप मानते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके फर्जी साइन कर उसकी नियुक्ति की गई? अब नियुक्ति की गई नहीं, नियुक्ति की ही नहीं गई इस विद्यालय में। मेरे फर्जी आदेश हैं, फर्जी साइन है वो जी। और इस विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, आवेदिका जो नियुक्त की गई थी वो क्या यहाँ पर जैसे वंदना तिवारी, ब्रजेश तिवारी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर थी तो स्कूल आती थी क्या? यहाँ कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। हुई ही नहीं है? हाँ। तो आप मानते हैं कि उनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसमें फर्जी साइन है और फर्जी तरीके से उन्होंने कार्य किया है? बिल्कुल फर्जी साइन है। आगे आपके पास जानकारी संज्ञान में आई है, आप क्या कार्रवाई प्रेषित किया है आपने? नहीं, हमने इसकी सूचना सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सिवनी को भेज दी। और किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपकी, चूँकि आपके ना जानकारी में रहते हुए जिस तरीके से फर्जी साइन का दुरुपयोग किया गया है तो कई प्रकार की और भी लापरवाही सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए आप कितने सजग हैं और उच्च अधिकारियों को क्या अवगत कराया? नहीं, कुछ नहीं अवगत कराया। मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि स्कूल में अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती होना है। मैंने जाके गजभिये से पूछा तो गजभिये ने ये कह दिया कि भाई कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हो रही है, आज तक कभी इसमें यहाँ कोई नियुक्ति नहीं हुई। क्योंकि मुझे सूत्रों से ये जानकारी थी कि यहाँ कंप्यूटर अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती हो चुकी है, तो मैंने उसको सूचना के अधिकार के तहत लिया। उन्होंने लिख के दिया मुझे कि आज तक यहाँ कभी कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनसे उपस्थिति पंजी वगैरह सब लिया, उन्होंने 8 माह की उपस्थिति पंजी भी मुझे दिया और लिख के दिया कि आज तक यहाँ कंप्यूटर की भर्ती नहीं हुई। इतनी जानकारी मैंने स्कूल से प्राप्त किया और उसको लेके सूचना के अधिकार के तहत जो लिया गया मैंने उसको SDM को जाँच के लिए दिया हूँ कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर दूसरी जानकारी ये मिली कि एक बालक उनका नीलेश नाम है शायद उसका, कि जो लोक सेवा केंद्र में रहता है और उसकी सिरमंगनी में नियुक्ति है, तो ये भी 420 है क्योंकि वो लोक सेवा केंद्र में रहता है। जब लोक सेवा केंद्र में वो रह रहा है तो फिर
हाजिरी कहाँ की भरी जा रही है, तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, 7 माह की तनख्वाह की जानकारी हो भी सकता है कि 1 वर्ष की हो, इतनी जानकारी है मेरे पास। क्या मांग रखा है आपने उनके? हम ये चाह रहे हैं कि उस पर विधिवत जाँच होना चाहिए और उस पर कार्यवाही होना चाहिए। 420 का केस है, बहुत बड़ा केस है ये। लगभग सिवनी ज़िले में 70 करीब की नियुक्ति हुई है, ये जानकारी हमें सूत्रों से है। अब सही गलत क्या है वो जांच में निकल के आएगा। प्रचार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, फिर भी एक नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, उसमें क्या मानते हैं आप? हम उसको ये मानते हैं कि फिर वो फर्जी हस्ताक्षर से उनकी नियुक्ति की गई है। जो भी स्कूल के उसमें कर्मचारी संलिप्त होंगे उनको वह कार्रवाई होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।